ओम नमः नारायण, ओम गुरुवे नमः। मैं महेश कुमार कुशवाहा उत्तराखंड से, 2 जनवरी 2020। आपको आज इस अद्भुत पौधे के बारे में बताऊंगा जिसे आप देख रहे हैं, जिसको हम कामिनी या मधुकामिनी और मोरैया के नाम से जानते हैं। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि इसके पत्ते का सेवन करते हैं 11 से 21 दिन तो कोलेस्ट्रॉल कम होता है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, ब्लॉकेज को बंद करता है, ख़त्म करेगा। मतलब जब कोलेस्ट्रॉल ही नहीं रहेगा तो ब्लॉकेज ख़त्म हो जाएगी, तो आप भी जानते हैं। लेकिन इसके अद्भुत रिजल्ट मिले जब मैंने लोगों को इसका प्रयोग करवाया, तो मैं आपको इसकी पहचान कराऊँ। और अंत तक इस वीडियो को देखते रहिएगा, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जरूर करिएगा, और इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि मेरे अधिकतर जो वीडियोज है वो अनुभूत पर ही आधारित होते हैं, यानी अनुभूत नुस्खे होते हैं जो कि प्रयोग किए जा चुके हैं, जिसका रिजल्ट मिल रहा होता है। खाली आप लोगों का समय बर्बाद नहीं करना मेरा उद्देश्य है। तो किसी को कन्फ्यूजन हो तो कॉल कर सकता है, मेरा चैनल के अबाउट में जाएंगे तो वहाँ पर मेरा पूरा डिस्क्रिप्शन है, मेरा फेसबुक मोबाइल नंबर सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो ये है कामिनी, इसके बारे में आपको बताता हूँ। अब ये देखेंगे जब नए पत्ते होते हैं तो ऐसे होते हैं, और इन्हीं पत्तों का सेवन करना है, ज़्यादा पुराने पत्ते नहीं लेने हैं। और इसकी पहचान आपको मैं बता दूँ, इसमें ये जोड़े में होते हैं, वो विषम में होते हैं, 1 2 3 4 5, देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 में भी होते हैं, और ये मुझे 11 में भी मिले हैं, और ये 7 में भी मिले हैं। तो इसमें सफ़ेद रंग के पुष्प आते हैं, इस समय तो इसमें पुष्प नहीं है, और मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूँ। तो इसका एक पत्ता तोड़ना ही है, सिर्फ एक पत्ता ही जैसा हमने तोड़ा, इस पत्ते का सेवन करना है। और 21-20 दिन में रिजल्ट आया था हमारे एक मित्र उनका, कि जो कोलेस्ट्रॉल में हाई लेवल पर था उनका 25 पॉइंट माइनस हुआ है, और वजन भी कम हुआ। सबसे आश्चर्य बात है, वजन भी कम हुआ, 3 kg वजन भी कम हुआ 21 दिन में, और साथ ही जो उनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम थी, कंधों के दर्द, उसमें भी बहुत राहत मिला है, यानी कि लगभग वो बहुत ही उनको अच्छा रिजल्ट मिला है। तो इस पौधे को हम खा सकते हैं। और यदि महाराष्ट्र से हमारे एक वैद्य मित्र ने हमें बताया कि इसको मधु कामिनी भी बोलते हैं, क्योंकि जो मधुमेह के मरीज हैं वो भी इसको ले सकते हैं, और ये मधुमेह में भी लाभ करती है। तो यानी एक पौधा और 1000 फायदे। तो मैं आप लोगों से बार बार कहता हूँ, हम अपने स्वदेशी पौधे को लगाएं और विदेशी पौधियों को अपने गमले से बाहर करें। ये एक स्वदेशी पौधा है, और इसमें खुशबू भी बड़ी अच्छी आती है लेमन की तरह, और ठंडा ठंडा लगता है। आप इसको एक पत्ते को इसको उबालना है, आधे गिलास पानी में उबालें, और जब उसका चौथा हिस्सा रह जाए, मतलब क्वाथ बनाना है, एक गिलास पानी ले तो उसका चौथा हिस्सा जब रह जाए तो उसको छान करके आप पी लीजिएगा, और 21 दिन में आपको रिजल्ट आपके सामने मिलेगा। और ये पहले भी हमारे जो वैद्य गुरु हैं दिल्ली JNU से, श्री भारत भूषण जी, उन्होंने मुझे फॉर्म बताया था इसके बारे में। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, और उनके साथ ही लोगों ने इसका काफ़ी प्रयोग किया हुआ है। तो मैं सभी को आपके सामने इस पौधे को लाया हूँ, इस पौधे का विनाश ना हो, इस ख़त्म ना हो, इसके लिए आप जो भी इसका प्रयोग करेंगे मेरी फीस समझ लें या मेरा वो समझ लें, एक पौधा आपको अपने घर में जरूर लगाना है। घर में जगह नहीं है तो आप मंदिर में लगाओ, मंदिर में जगह नहीं है, शमशान घाट या जो भी सरकारी गार्डन पार्क जो भी है आप वहाँ पर जरूर लगाइएगा। और ये आपको हैज की तरह प्रयोग मिल जाएगा, देखेंगे तो यहाँ भी देखिए यूनिवर्सिटी के किनारे लगा हुआ है, तो इस तरीके से आपको मिल जाएगा। मैं इस समय पंत नगर से बोल रहा हूँ। तो इस तरीके से इसको यूज करने से पहले देखिए, आप प्राकृतिक से अगर कुछ लेते हैं तो आपको देना भी चाहिए और देना सीखना भी चाहिए। तो आप इसके पौधे दो पौधे करीब लगाइएगा, और नर्सरियों में ये 40 रुपये से लेकर के आपको आगे जो भी जैसी नर्सरी होगी वैसे रेट में इसके पौधे मिल जाते हैं। और मैं कोशिश कर रहा हूँ इसके पौधे भी मैंने अभी सस्ते में कहीं अवेलेबल हों तो मैं इसे खरीद करके सप्लाई भी कर सकता हूँ। तो यह मेरा ये उद्देश्य रहेगा, और मैंने अपने घर में 2 पौधे इसके ले जाके रख लिए, उन्हें लगाना बाकी रह गया है। थोड़ा ठंड का मौसम चल रहा था हमारे यहाँ, तो इसलिए मैंने अभी नहीं लगाया है। तो जैसे ही मौसम खुलता है तो 15 जनवरी के बाद मैं पौधे जरूर लगाऊंगा, अपने गांव के मंदिर में ही लगाऊंगा। और इसमें सफ़ेद रंग के बहुत अच्छे फूल आते हैं, जिससे बहुत अच्छी खुशबू भी आती है। तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस पौधे को जरूर लगाएं, और इसका भरपूर प्रयोग करें, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, और पौधे जितना हो सके उतना लगाएं। आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी, हमेशा की तरह आप लोगों के फीडबैक पे मैं काम करता हूँ, तो आप फीडबैक जरूर दीजिएगा, जैसा भी अच्छा बुरा हो। इसके साथ ही आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेद।